लवली राज, शुभ यादव, हिमानी यादव, निकिता शर्मा, निकिता शर्मा, इंद्रा चौधरी आ गए ना। हाँ सीमा चौधरी भी आ गई, रेखा चौधरी, सीमा चौधरी, सुमन चौधरी, रशिता राणा, बेटा प्रैक्टिकल की फॉर्मेट के बारे में सुन लो बेटा। एक क्वेश्चन तो आपका टैक्सोनॉमी पे आएगा, जो आपको फ्लावर दिया जाएगा और फ्लावर के बारे में आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपको दे दिया हिबिस्कस, रोजा, साइनेंसिस, एक तो टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आएगा और एक आपका आएगा क्वेश्चन इकोलॉजिकल एक्सरसाइज, जैसे कि पीएच ऑफ द सॉइल सैंपल या पीएच ऑफ द वाटर विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर, इकोलॉजिकल एक्सरसाइज, या क्वाड्रेट की संख्या को ज्ञात करना, फ्रीक्वेंसी टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, एक इकोलॉजी पे आ जाएगा और एक जो है आपका सेक्शन कटिंग पे आएगा। जैसे निम्फिया की लीफ दे दी, अभी बताएंगे उसको आप अभिरंजित करते हो, स्ट्रेन करते हो, हाइड्रिला का स्टेम दे दिया, मतलब निम्फिया का भी दे सकते हैं, हाइड्रिला का भी दे सकते हैं, कैजुलाइना भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आएंगे, एक इकोलॉजिकल एक्सरसाइज, एक इकोलॉजी पर एक्सरसाइज, जैसे कि टाइफा लीफ दे दी आपको, टाइफा लीफ का आपने सेक्शन कट किया, इसको अभिरंजित किया, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो स्लाइड अपन शेयर करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में आप करते हो बेटा, निम्फिया लीफ आपको दे देंगे, निम्फिया की लीफ आपको देंगे, ठीक है। तो निम्फिया लीफ में अपन क्या करेंगे, कुल कौन सी कुल का है, ये फैमिली निम्फिएसी की है। तो निम्फिया लीफ का आप पहले तो बेटा सेक्शन कट करोगे और इस सेक्शन को जब कट कर लोगे तो आप क्या करोगे, इस निम्फिया लीफ के सेक्शन को कट करने के बाद रेजर की किससे कट करोगे, ब्लेड या रेजर से, उसके बाद इसको स्ट्रेन करोगे, अभिरंजित करोगे, अभिरंजित किस में करते हैं, सेफ्रेनिन में। तो स्ट्रेन करने के बाद अपन इस सेक्शन को, निम्फिया लीफ जो कट किया गया है इसका सेक्शन, इसको अपन स्लाइड पे रखते हैं और स्लाइड पर बेटा एक ग्लिसरीन की ड्रॉप डालते हैं और उसके ऊपर जब सेक्शन माउंट करते हैं उसके ऊपर अपन कवर स्लिप भी रख देते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो अपन को क्या दिखाई देता है कि पर्ण की, मतलब निम्फिया लीफ की बाह्य रूप रेखा लगभग हृदयाकार होती है, कॉर्डेट होती है, यह मध्य भाग में फूली हुई, मध्य भाग में फूली हुई मध्यशिरा भी पाई जाती है, जबकि मध्य शिरा के दोनों ओर उपस्थित पतले भाग को पक्ष कहते हैं, विंग्स कहते हैं। तो जब अपन निम्फिया लीफ का सेक्शन काटते हैं तो पर्ण की आंतरिक संरचना का सूक्ष्मदर्शी, मतलब माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने पर अपन को निम्फिया लीफ में, आपको निम्फिया लीफ में निम्न ऊतक क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो देखो बेटा है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस दिखाई देती है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, यह पर्ण की सबसे बाहरी परत होती है जो कि इसे दोनों सतहों पर बाह्य आवरण
प्रदान करती है और इस परत की कोशिकाएं मतलब एपिडर्मिस की कोशिकाएं बैरल शेप्ड ढोल आकार की होती हैं एवं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सुसंहत रूप से व्यवस्थित होती हैं। तो अपर एपिडर्मिस जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये डायग्राम भी आप बनाओगे अपनी पार्टिकल कॉपी में, अपर एपिडर्मिस पर ऊपरी क्यूटिकल पाई जाती है, मतलब अपर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है ये लिखोगे। दूसरी और निचली एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल परत अनुपस्थित होती है अथवा अल्प विकसित या पुअरली डेवलप्ड होती है। इसी प्रकार ऊपरी बाह्य त्वचा अपर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मल लेयर की कोशिकाओं के बीच स्ट्रोमेटास पाए जाते हैं। आप ये चित्र में देख रहे हो, मतलब क्या बता रही हूँ, ऊपरी बाह्य त्वचा परत की कोशिकाओं के बीच असंख्य स्ट्रोमेटास रंध्र पाए जाते हैं, जबकि निचली बाह्य त्वचा लोअर एपिडर्मिस परत पर रंध्र स्ट्रोमेटास अनुपस्थित होते हैं। तो निचली बाह्य त्वचा परत में अनियमित रूप से वितरित स्लाइम ग्रंथियां स्लाइम ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये देख लो, इसमें अपन देखेंगे निचली एपिडर्मिस पे क्या मिल रहा है, स्लाइम ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब अपन इसके मीजोफिल के बारे में लिखेंगे, मतलब मध्योतक, कैसा पर्ण मध्योतक के बारे में। तो यह क्षेत्र पैलिसेड ऊतक पैलिसेड टिश्यू एवं स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित होता है। तो ये देख रहे हो बेटा आप चित्र जो दिखा रही हूँ, ये तो है पैलिसेड टिश्यू, दिख रहा होगा आपको एरो, और ये है स्पंजी टिश्यू। तो पर्ण मध्योतक निम्फिया में पैलिसेड टिश्यू व स्पंजी टिश्यू में विभेदित होता है। अब पैलिसेड टिश्यू या पैलिसेड कोशिकाओं की अरीय भित्तियों से लगे अनेक हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें अनेक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और पैलिसेड टिश्यू की कोशिकाएं दो या तीन पंक्तियों में तथा पास पास व्यवस्थित होती हैं एवं इनके बीच इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। आप देख रहे हो ये पैलिसेड टिश्यू है जो एरो घुमा रही हूँ, इनके बीच कहीं पे भी अंतर कोशिकीय स्थान इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। तो आप और क्या लिखोगे, पैलिसेड ऊतक के ठीक नीचे शिथिलता पूर्वक व्यवस्थित स्पंजी ऊतक, यह स्पंजी पैरेन्काइमा की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में असंख्य क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाए जाते हैं। तो स्पंजी मृदूतक कोशिकाओं की आकृति एवं परिमाप अत्यंत अनियमित हाईली इरेगुलर प्रकार का होता है। मीजोफिल रीजन मध्योतक क्षेत्र में असंख्य बड़े न्यूमरस लार्ज चैम्बर्स असंख्य बड़े प्रकोष्ठ भी पाए जाते हैं और मध्योतक क्षेत्र में सभी और असंख्य अनियमित रूप से व्यवस्थित स्क्लेरोटिक सेल्स या ब्रैकिस्क्लेरेट्स भी उपस्थित होती हैं। तो ये देखो बेटा इसका इलाज कर रहे हैं, तो मेन पॉइंट क्या लिखोगे, जो मध्योतक है मीजोफिल है उसमें स्क्लेरेट्स पाई जाती हैं। ये देख रही है, इसमें स्क्लेरेट्स भी पाई जाती हैं जिसको कि ब्रैकिस्क्लेरेट्स या ब्रैकिस्क्लेरेट्स कहते हैं या स्क्लेरोटिक सेल्स भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं ये जाइलम एंड फ्लोएम दिख रहा है वेस्क्यूलर बंडल के बारे में, संवहन ऊतक के बारे में। तो पहले से संवहन ऊतक वेस्क्यूलर बंडल, तो पहला पॉइंट लिखोगे मध्य शिरा क्षेत्र में 3 से लेकर 5 सुविकसित संवहन बंडल पाए जाते हैं। तो अपने मिडरिप रेंज में कितने बंडल्स मिलते हैं, देखो एक तो है 1, 2, 3, मतलब 3 से लेकर 5 वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और प्रत्येक संवहन बंडल प्रत्येक वैस्कुलर बंडल पैरेन्काइमेटस बंडल शीट मृदूत की
बंडल आच्छाद के द्वारा घिरा हुआ होता है और यह वैस्कुलर बंडल, संवहन बंडल कोलेट्रल एंड क्लोज्ड होते हैं। क्लोज क्यों होते हैं? क्योंकि इन संवहन बंडल में, इन वैस्कुलर बंडल्स में क्या नहीं पाया जाता, कैम्बियम अनुपस्थित होती है। तो मध्य शिरा क्षेत्र में उपस्थित एक बड़ा संवहन बंडल नीचे की ओर उन्मुख होता है और केंद्र में उपस्थित कुछ संवहन बंडल फ्यूज्ड या मिश्रित, मिक्स्ड या प्रतिलोमी, प्रतिलोमित दिशा होते हैं, प्रतिलोमित दिशा में होते हैं। तो क्या बता रहे कि मध्य में, मध्य शिरा क्षेत्र में उपस्थित एक बड़ा वैस्कुलर बंडल नीचे की ओर उन्मुख होता है और केंद्र में, सेंटर में उपस्थित कुछ संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल्स फ्यूज्ड या मिश्रित, फ्यूज्ड या मिश्रित एवं प्रतिलोमित दिशा में होते हैं, इनवर्सली डायरेक्टेड होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल में जाइलम की तुलना में फ्लोएम ऊतक सुविकसित होता है। तो जाइलम में वाहिकाएं, वेसल्स अनुपस्थित होती हैं। तो अपन कैसे लिखेंगे? आप इसके बाद अपन लिखेंगे पहचान के लक्षण कि निम्फिया की लीफ को आपने कैसे पहचाना। तो पेटिकल जो मेन कॉपी होती है उसमें सब पॉइंट्स लिखने के बाद आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। तो निम्नलिखित विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति के कारण दिया गया पादप भाग हाइड्रोफिटिक लीफ प्रतीत होता है, जिसके मुख्य लक्षण निम्न प्रकार से हैं कि निम्फिया की लीफ ही है यह आपने कैसे पहचाना, क्यों नहीं ये फाइकस की लीफ है, तो फाइकस की लीफ नहीं होके निम्फिया की लीफ क्यों है। तो पहला आप पॉइंट लिखोगे अपर एपिडर्मिस पर, ऊपरी बाह्य त्वचा पे पतली पतली क्यूटिकल परत, थिन क्यूटिकल लेयर उपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट है दूसरी और निचली बाह्य त्वचा परत पर क्यूटिकल की अनुपस्थिति पाई जाती है और निम्फिया लीफ में अनेक सुविकसित वायु प्रकोष्ठ, एयर चैम्बर्स की उपस्थिति पाई जाती है। यांत्रिक ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा अनुपस्थित होती है, वह निम्फिया की लीफ में ट्राइकोस्क्लेरेट्स की उपस्थिति पाई जाती है और संवहन बंडल निम्फिया लीफ पे छोटे होते हैं, इनमें जाइलम ऊतक तो कम मात्रा में पाया जाता है परंतु फ्लोएम ऊतक सुविकसित होता है और जाइलम ऊतक में वेसल्स, वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इसी प्रकार बेटा अगर टाइफा की लीफ को देख कहते हैं तो आप लिखोगे कुल टाइफेसी में आता है और आंतरिक संरचना में निम्न प्रमुख ऊतकों का विभेदन होता है। तो टाइफा की लीफ अगर आपको मिलती है तो ये है टाइफा की लीफ का, दोनों डायग्राम बनाओगे, एक तो है टीएस ऑफ द टाइफा लीफ, आरेख चित्र मतलब लाइन डायग्राम व सेल्यूलर डायग्राम, और अगर स्पॉटिंग में आती है तो केवल लाइन डायग्राम ही बनाओगे बेटा। और टाइफा की लीफ को कैसे पहचाना ये अपन बात करते हैं कि टाइफा लीफ में आपको क्या लिखना है। टाइफा की लीफ का भी बेटा पहले अपन, टाइफा की लीफ आपको दी गई होगी तो इसका अपन सेक्शन काटेंगे और टाइफा की लीफ का सेक्शन या निम्फिया की लीफ का सेक्शन काटने के लिए अपन कैलोट्रोपिस के स्टेम की पिथ बनाते हैं और इस पिथ में अपन सेक्शन को इंसर्ट करते हैं, फिर ब्लेड या रेजर की सहायता से इसके छोटे छोटे पीसेस काट देते हैं और फिर इस टाइफा की लीफ के जो सेक्शन काटे हैं, टाइफा की लीफ को किससे अभिरंजित करते हैं अपन, सेफेनिन से अभिरंजित करते हैं और अभिरंजित करने के बाद टाइफा की लीफ के पीसेस को अपन एक ग्लिसरीन की बूंद लेते हैं स्लाइड पर और स्लाइड पर रखते हैं, वह कवर स्लिप लगा देते हैं और माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि टाइफा की लीफ में क्या देखते हैं कि आंतरिक संरचना में कुछ प्रमुख ऊतकों का विभेदन होता है। एक तो बेटा है एपीडर्मिस, ये देखना टाइफा की लीफ में जो दिखाया है एपीडर्मिस है, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है इसमें एपीडर्मिस, यहाँ मैं एरो घुमा रही हूँ, बाह्य त्वचा। तो ठीक है, बाह्य त्वचा कैसी होती है? तो एपिडर्मिस सबसे बाह्य, सबसे बाह्य एक स्तरीय परत होती है जो पतली भित्ति की आयताकार कोशिकाओं से बनी होती है।
एपिडर्मिस में दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित होते हैं। टाइफा की लीफ में देखो बेटा, एपिडर्मिस पर दोनों सतहों में, दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित होते हैं, मतलब स्ट्रोमेटास पाए जाते हैं। ये मैरो घुमाली हुई है, स्ट्रोमेटास आर फाउंड इन द सब स्ट्रोमेटल चैम्बर। तो एपिडर्मिस की बात चल रही है, एपिडर्मिस में दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित होते हैं, यह मोटी क्यूटिकल द्वारा ढकी रहती है। अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो ये देखो बेटा, ये है स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस, दीज आर द स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस या स्क्लेरेनकाइमा। ये मैं आपको घुमा रही हूँ स्क्लेरेनकाइमा डर ऊतक। स्क्लेरेनकाइमा कैसी होती है? एपिडर्मिस के नीचे अनेक स्क्लेरेनकाइमेटस पैच उपस्थित होते हैं। ये देख रहे हो आप, अनेक स्क्लेरेनकाइमेटस पैच उपस्थित होते हैं। तो एपिडर्मिस के नीचे अनेक स्क्लेरेनकाइमेटस पैच उपस्थित होते हैं और डड़ोत की गुच्छ, मतलब स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस एपिडर्मिस के नीचे स्थित संवहन पुलों के ऊपर टोपी नुमा संरचना बनाते हैं। अब बात करते हैं मीजोफिल की। आप लिखोगे पर्ण मध्योतक। तो मीजोफिल पर्ण मध्योतक स्पष्ट रूप से पैलिसेड एवं स्पंजी मृदूतक, स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित होता है। तो इसमें देख रहे हो आप, ये दिखा रहे हैं आपको पैलिसेड टिश्यू और एक आपको दिखा रहे हैं मतलब स्पंजी टिश्यू, पैलिसेड व स्पंजी टिश्यू में। ये तो है पैलिसेड, ये मैं घुमा रही हूँ, पैलिसेड टिश्यू व स्पंजी टिश्यू में विभेदित होता है। दूसरा पॉइंट है बेटा खम्भ ऊतक। पैलिसेड टिश्यू 2 से 3 स्तरीय होता है और खम्भ ऊतक पैलिसेड टिश्यू की सतत्ता डड़ ऊत की गुच्छे मतलब स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस तथा वेस्कुलर बंडल्स द्वारा जगह जगह टूट जाती है। मतलब जो पैलिसेड टिश्यू की सतता है, कंटिन्यूटी है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस तथा वेस्कुलर बंडल्स के द्वारा जगह जगह टूट जाती है। पत्ती के कोनों पर भी खम्भ ऊतक अनुपस्थित होता है। तो खम्भ ऊतक, खम्भ ऊतक को क्या बोलेंगे? पैलिसेड टिश्यू के भीतर की ओर स्पंजी मृदूतक, स्पंजी पेरेन्काइमा पाया जाता है और स्पंजी ऊतक में अनेक वायु कोष्ठक एयर चैम्बर्स उपस्थित होते हैं। देख रहे हो, स्पंजी ऊतक में अनेक वायु कोष्ठक, अनेक एयर स्पेसेस उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो वायु कोष्ठकों की भित्ति सेप्टा कोशिकाओं के कई स्तरों से बनी होती है। तो कोष्ठकों मतलब वायु कोष्ठकों की भित्ति या पटों में संवहन पुल भी उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स इन द टाइफा लीफ। तो संवहन पुल कैसे दिखाई देते हैं, वेस्कुलर बंडल्स कैसे दिखाई देते हैं? ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? संवहन पुल उप एपिडर्मिस क्षेत्र तथा पटों में उपस्थित होते हैं। तो संवहन पुल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संवहन पुल वेस्कुलर बंडल्स उप एपिडर्मिस क्षेत्र तथा पटों में व्यवस्थित होते हैं। उप एपिडर्मल संवहन पुल, संवहन पुल कोलेट्रल, कोलेट्रल तथा क्लोज प्रकार के होते हैं तथा टोपीनोमा डड़ोत की गुच्छ द्वारा ढके रहते हैं। तो उप एपिडर्मल संवहन पुलों में जाइलम बाहर की ओर तथा फ्लोएम केंद्र की ओर उपस्थित होता है। ये देख रहे हो बेटा, इस लीफ को एनलार्ज कर रही हूँ, जाइलम बाहर की ओर, जाइलम फ्लोएम बाहर की, इसमें क्या देख रहे हो? उप एपिडर्मल संवहन पुलों में जाइलम बाहर की ओर तथा फ्लोएम केंद्र की ओर उपस्थित होता है। इनमें जाइलम सुविकसित होता है। ठीक है, अब प्रकोष्ठों, अब किसकी बात चल रही है? प्रकोष्ठों के प्रत्येक पट में 3 संवहन पुल स्थित होते हैं। इनमें से ऊपरी व निचला संवहन पुल समपार्श्विक तथा बंद प्रकार का होता है।
जबकि केंद्रीय संवहन पुल केवल फ्लोएम युक्त होता है। अब अपन निम्फिया की लीफ है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसके क्या क्या लक्षण लिखेंगे अपन कि यह एक उभयचारी एम्फीबियस पर्ण है जो जलोद्भिद तथा मरोद्भिद दोनों लक्षणों को प्रदर्शित करती है। तो जलोद्भिद लक्षण क्या है? मतलब हाइड्रोफिटिक फीचर्स, बड़े वायु कोष्ठकों की उपस्थिति पाई जाती है और कुछ संवहन पुलों में जाइलम अनुपस्थित होते हैं। और जीरोफिटिक फीचर्स क्या लिखोगे? मतलब मरुद्भिद लक्षण, मतलब टाइफा लीफ में मोटी क्यूटिकल उपस्थित होती है और टाइफा पत्ती की पूर्ण सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं और टाइफा लीफ में डड़ुत्की गुच्छ मतलब स्क्लेरेंकाइमेटस पैचेस भी पाए जाते हैं और उप एपिडर्मल संवहन पुल उपस्थित होता है। तो इस प्रकार अपन क्या देखेंगे? टाइफा लीफ। अब अपन देखते हैं, आपके कोर्स में भी होगा, कैज्यूराइना स्टेम मतलब एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस ऑफ सम जीरोफाइट्स। तो अपन कैज्यूराइना स्टेम मिले आपको, चाहे बोगनविलिया स्टेम मिले, तो इसकी भी अपन स्लाइड बनाते हैं। अगर सिंगल स्ट्रेन, वैसे तो बेटा इनको सिंगल स्ट्रेन ही करते हैं, मतलब कैज्यूराइना स्टेम की अपन स्मॉल पीसेस कट करते हैं, अनुप्रस्थ काट काटते हैं, बी कट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द कैज्यूराइना स्टेम, फिर इसको कैज्यूराइना स्टेम के जिसके सेक्शन काटे हैं उनको अभिरंजित करते हैं सेफ्रेनिन से। अगर डबल स्ट्रेनिंग करते हैं कभी कभी तो अपन किसका यूज करते हैं? फास्ट ग्रीन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो अपन कैज्यूराइना स्टेम के पीसेस काट कर इसको अभिरंजित सेफ्रेनिन में करते हैं, उसके एक दो मिनट बाद अपन जेल से इसको वॉश कर देते हैं और फिर कैज्यूराइना स्टेम के पीसेस को फिर अपन फास्ट ग्रीन से भी अभिरंजित करते हैं, स्ट्रेन करते हैं और फास्ट ग्रीन से दो या तीन मिनट के बाद अभिरंजित करने के बाद अपन इन सेक्शंस को फिर से जल से धो लेते हैं और फिर ग्लिसरीन में माउंट करते हैं, कवर स्लिप लेते हैं और स्लाइड लेते हैं और सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से इन स्टेम का, कैज्यूराइना स्टेम का अवलोकन करते हैं और ये पाते हैं ये है जीरोफिटिक पौधों। तो कुछ महत्वपूर्ण परोद्भिद पौधों के आंतरिक अनुकूलन लक्षण। तो बेटा जैसे कि आपने पूछा था है ना प्रैक्टिकल में आपके, एक तो बेटा टैक्सोनॉमी है, आप लोग थर्ड ईयर वाले हो तो टैक्सोनॉमी में आपको एक फ्लावर दिया जाएगा, चाहे वो कैलोट्रोपिस दिया जाए, कैलोट्रोपिस माने आंकड़ा, तो उसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, जैसे कि आप बॉटनी प्रैक्टिकल की रिकॉर्ड तैयार करते हो और आपको एक हर्बेरियम भी तैयार करना होगा, तो एक क्वेश्चन तो आ जाएगा आपके फ्लावर डिस्क्रिप्शन पे, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपके इकोलॉजिकल एक्सरसाइज पर, जो मैंने पहले भी बता दी थी, चाहे वो इकोलॉजिकल एक्सरसाइज आपको क्या क्या दी जा सकती है, पीएच ऑफ द सॉइल सैंपल ज्ञात करना, किसी भी सॉइल सैंपल की पीएच ज्ञात करना, ठीक है ये भी आप कर सकते हो, ठीक है इस तरह से। या फिर अपन किसको कर सकते हैं कि किसी भी वाटर की पीएच को ज्ञात करना विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर की सहायता से। और तीसरा अपन इसी में एनालिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं तो दिए गए मृदा नमूने में भारी धातुओं की उपस्थिति ज्ञात करना, इसमें से एक ही एक्सरसाइज आएगी। या आपको दे सकते हैं घास स्थली एवं वनस्थली, घास स्थली एवं वनस्थली की मृदाओं में नमी की मात्रा का निर्धारण करना। और एक एक्सरसाइज आपको किसके देंगे बेटा? इकोलॉजिकल एक्सरसाइज, जैसे कि हाइड्रिला, हाइड्रिला का सेक्शन दे दिया अपन ने, उसको काटा, उसके बारे में कमेंट्स लिखे। निम्फिया की लीफ मैंने बताई थी, निम्फिया है, निम्फिया की लीफ दे सकते हैं, टाइफा की लीफ दे सकते हैं, तो इकोलॉजिकल एक्सरसाइज दी जाएंगी आपको। और एक पादपों की उपयोगिता, जैसे कि अपने इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी है, तो जैसे स्पॉटिंग में आपके रख दिए, तो आपका रख दिया काली मिर्च रख दी, ठीक है मूंगफली रख दी, सरसों रख दी, तो इनके बारे में भी आपको कमेंट्स लिखने होंगे, ठीक है। और एक एक्सरसाइज आपको किस पे करनी होगी, मतलब ये वाला मैंने बताई दिया आपको,
इस तरह से आपकी एक्सरसाइज आएगी प्रैक्टिकल की। तो इसको किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। सीमा, दर्शिता, रेखा, शुभी, लवली राज, इंद्रा चौधरी, और जब अपनाएंगे तो इसको परफॉर्म कर ही लेंगे। जब तक आप बेटा, अगर वैसे तो आप लोग प्रमोट ही हो गए, लेकिन जब तक एक हर्बेरियम फाइल और बना लो। अगर आपको पौधे मिल जाते हैं जैसे कि कैलोट्रॉपिस है, आंकड़ा है, उसको न्यूज़पेपर्स में प्रेस करके हर्बेरियम शीट्स खरीद लो, परचेज कर लो। हर्बेरियम फाइल बनाना भी जरूरी है। आंकड़े का ले लो, उसमें फ्लावर होना चाहिए, ट्विग होनी चाहिए, लीफ होनी चाहिए। एक आप धतूरे का ले सकते हो जो आप करते ही हो प्रैक्टिकल फाइल में, है ना। एक अपन बोगेनविलिया का भी इजीली मिल जाता है, और आपके आसपास बैगन का भी मिल जाएगा, सोलेनम मेलेंजीना। तो इसकी हर्बेरियम फाइल बना लो, 20 शीट्स लगेंगी, उसमें 20 शीट्स आप लगा लो, और उसका क्लासिफिकेशन, क्लास है, उसका डिविजन है, उसका ऑर्डर है, वो लिख दो बेटा। और कुछ पूछो, जैसे कि अपना ये भी मिल जाता है इजीली, आजकल अमलतास भी मिल रहे हैं, पीले फूल आते हैं, ठीक है। पी फ्लावर तो अब निकल गया समय, आपके पास हुआ नहीं मटर का फूल, ठीक है। तो जिसमें फूल लग रहे हैं, पीली कटेली है उसमें आ रहा है, आर्जिमोन मैक्सिकाना उसमें फूल आ रहे हैं, वो लिख लो, रोज का ले लो, है ना। तो इस तरह से अपनी एक हर्बेरियम शीट बेटा प्रिपेयर कर लो, ठीक है बेटा।